जब आपको कोई रूटीन हेल्थ चेकअप करवाना हो तो एक जेनरिक एमबीबीएस डॉक्टर या फिर फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हुआ जैसे दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना हो, इंडेक्स फंड्स या फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट हो या फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती हो तो आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और फोकस बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ सेक्टोरियल फंड्स या फिर थीमेटिक फंड्स की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोटक सिक्योरिटीज। मैं हूं दिव्यांशी आशर और आज हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो अबाउट सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेक्टोरियल फंड्स या फिर थीमेटिक फंड्स होते क्या हैं। एज द नेम सजेस्ट, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो इकोनॉमी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब सेबी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल फंड्स होते हैं उसका 80% इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर में होना कंपलसरी है। अब आपको याद होगा कि पेंडेमिक के टाइम जब पूरी इकोनॉमी डाउन थी उस वक्त हर किसी को एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की डिमांड काफी हाई लगती थी, दैट इज द हेल्थ केयर सेक्टर। तो पेंडेमिक के वक्त वैक्सीन्स, मेडिसिन्स और हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई थी और उस वक्त जिन लोगों ने भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया था उनका थोड़ा ज्यादा फायदा हुआ था। निफ्टी फार्मा गेव 60% ऑफ रिटर्न्स बिटवीन 1 जनवरी 2020 टू 21 दिसंबर 2022। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इस टाइम फ्रेम में निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने आउटपरफॉर्म किया था। अगेन, लॉकडाउन की वजह से हम सबको एक डिजिटल लाइफस्टाइल अपनानी पड़ी थी। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस, हमारे रिमोट जॉब्स एक्सेट्रा से देश भर के मेजर आईटी कंपनीज ने रिमोट वर्किंग टूल्स, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया था और बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर किया था। बस इसका रिजल्ट आप सबको पता ही है कि आईटी इंडेक्स और आईटी सेक्टर फंड्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसे ही आप और भी कई सारे सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, एफएमसीजी दैट इज योर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड रिलेटेड सेक्टर्स, एंड रियल एस्टेट एंड सो ऑन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड्स। दोस्तों, याद रखिए कि सेक्टोरियल फंड्स के कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। द फर्स्ट वन इज लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टर फंड्स एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कम डाइवर्सिफाइड होता है और इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में किसी भी तरह के नेगेटिव परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट है वो आपके पोर्टफोलियो पर ज्यादा आएगा क्योंकि आपने उस सेक्टर के मेजॉरिटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। टाइमिंग द मार्केट इज डिफिकल्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे? मतलब आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप सेक्टोरियल फंड्स में निवेश करने की सोच रहे हैं। सेक्टर रोटेशन, तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में कुछ सेक्टर्स ब्रॉडर इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में कुछ सेक्टर्स के रिटर्न्स मेंशन हैं for different time periods. For example, 2017 से लेके 2021 तक देखे तो निफ्टी आईटी ने ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स दिए थे एक्सेप्ट इन 2019 एंड 20. लेकिन उसके बाद सेक्टर ने निफ्टी 500 और निफ्टी PSE के सामने अंडर परफॉर्म किया है। एंड सिमिलरली निफ्टी इंफ्रा ने 2020 तक कुछ खास रिटर्न्स जनरेट नहीं किए थे, बट 2021 से अब तक हर साल अच्छे रिटर्न्स। So here are key points to remember before you invest in sectorial funds. The first one is sectorial analysis. सबसे पहले ये समझिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी चेंजेस इन दैट सेक्टर और फिर उसके बाद डिसाइड करें। सेकेंड, योर रिस्क एपेटाइट। अपने रिस्क टॉलरेंस को समझिए। See if that aligns with the potential ups and downs of that specific sector, क्योंकि these funds can be volatile. Third is your exit time. अब सेक्टर फंड साइक्लिकल होते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा वो टेबल में। आज का जो हाई परफॉर्मिंग सेक्टर है वो कल बॉटम पर भी आ सकता है, तो सेक्टर्स की परफॉर्मेंस में रोटेशन देखने मिलता है, इसलिए एग्जिट का जो टाइमिंग है उसको आपको ध्यान रखना है। सही समय पर एग्जिट करना बहुत ही जरूरी है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ पास रिटर्न्स को देखकर सेक्टर या फिर थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। डू नॉट चेज द सेक्टर आफ्टर द अपसाइकल इज ओवर। लाइक कई सारे इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि सपोज एक सेक्टर ने 200% तक के रिटर्न्स दिए हैं, उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये रैली आगे कंटिन्यू हो सकती है या फिर नहीं। सो प्रॉपर रिसर्च कीजिए। इन फंड्स का फायदा आप सिर्फ तब उठा सकते हैं जब आने वाले टाइम में वो बेटर परफॉर्म करेंगे। वॉलेटिलिटी, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ना सेक्टोरल फंड्स ज्यादा उतार चढ़ाव बताते हैं। दे टेंड टू बी मोर वॉलेटाइल। तो फंड्स में उतार चढ़ाव देखने के लिए आप फंड के स्टैंडर्ड डिविएशन को चेक कर सकते हैं। देन कम्स मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अब ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि एक फंड अपने पीक से कितना गिरा है इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 5 साल में फंड के NAV का जो पीक प्राइस था या जो हाई था वो 1000 रुपीज था और फिर नीचे आया एंड उसका जो लो था वो 700 रुपीज को उसने टच किया है। So now the maximum drawdown for that fund is 30%. आसान शब्दों में ये फिगर आपको बताता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में फंड ने कितना लॉस फेस किया है अपने पीक से लेके डिप तक में। Evaluate the fund. फंड का लॉन्गर टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। स्किल्ड मैनेजर विद सेक्टर एक्सपर्टीज आपके फंड का जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.